अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ओम बशीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, फिल्टर इंस्टॉल कर सकते हैं फोटोशॉप में फेस को स्मूथ करने के लिए। गाइस, ठीक है दोस्तों, यहाँ तो देखें कोई फिल्टर वगैरह मैंने नहीं किए हुए। अब हम फिल्टर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसे हम एक बार कट करते हैं सबको। सबसे पहले हम जाते हैं, हमने यहाँ पर शायद मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं फिल्टर ये पड़े हैं मेरे पास, फिल्टर हैं, ठीक है। इसकी की नहीं है तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, फिल्टर कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं फिल्टर, ठीक है। तो गाइस, ये फिल्टर आ चुके हैं, हमने इसे कॉपी करना है और डेस्कटॉप पर ले जाना है। डेस्कटॉप पर जाकर दोस्तों पेस्ट कर देना है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। तो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करना है, इसे ओके कर देना है। करने के बाद दोस्तों ये आपके पास रह जाते हैं, ये फिल्टर। इसे आपने सबको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और इस की को ओपन कर लेना है और आ जाना है अपनी विंडो में। और यहाँ पर क्लिक करके कमन में ये एम रियल सॉरी नीचे वाला पहला फास्ट अडाप्ट फोटोशॉप में आना, प्लगइन प्लगइन यहाँ पर ये रहे और यहाँ पर फिल्टर में कंटिन्यू कर देना है आपने। यहाँ पर यस कर देना है, कंटिन्यू, ठीक है। ये हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने दोबारा जगह जाकर फोटोशॉप को ओपन करना है। दोस्तों, अपने फोटोशॉप को ओपन कर लिया हूँ मैं। तो गाइस, यहाँ पर एक फ़ोटो लेकर आता हूँ अच्छा सा, जिसमें मैं आपको समझा पाऊँ कि यार वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों, ये जैसा कि ये रहा मेरे पास पिक्चर, एक मैंने इम्पोर्ट की इसमें फाइल को और इसे हमने किया जूम, ठीक है गाइस, जूम किया। और यहाँ से आकर सबसे पहले हमने इसका जो एरिया ये स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लिक करें, मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आपने धीरे धीरे करना गाइस, ठीक है। ऐसे मैंने बस आपको समझाने के लिए जाकर टाइम बच जाएगा मेरा, ठीक है। इतना करने के बाद आपने यहाँ से भी स्टार्ट कर लेना है। इतना ओके, इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक क्लिक करना है, फिल्टर में आना है। फिल्टर में आने के पहला फिल्टर अप्लाई करना है, ओके प्रेस करना है बटन। दोस्तों, यहाँ पर आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपने की रजिस्ट्रेशन करना है, पहला ये देना आपने। ये मैं सिंपली यहाँ पर की में पेस्ट करता हूँ और अब इसका करते हैं ये वाला कॉपी यूनिक। और यहाँ पर ईमेल देकर यहाँ पर कुछ भी आप डाल दें, जो मर्ज़ी डाल सकते हैं आप, दिल करें, इंजॉय करें और ओके करें। तो दोस्तों, ये रजिस्टर हो चुका है, ये देखिएगा आप, ओके करते हैं हम, इसमें फ़र्क आ जाएगा। ये देखिए हो चुका है। दोबारा तो हम जाते हैं फिल्टर, दोबारा दूसरा फिल्टर अप्लाई करते हैं, चैप्टर लेंशन यहाँ पर ये देते हैं और की में ये वाला फिल्टर अप्लाई करते हैं कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करते हैं गाइस। और यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं गाइस, ओके हो गया दोस्तों, ठीक है। ये भी रजिस्टर हो जाता है गाइस, बस अब फेस देखिएगा कितना स्मूथ हो जाता है हमारा फेस। ये देखें स्मूथ हो रहा है। एक फिल्टर और अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो फेस है दोस्तों, वो स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है लास्ट। और जो इसके जो फेस पर एक्ने मोड पिंपल हैं बड़े बड़े, इन्हें ख़त्म करने के लिए आपने कंट्रोल डी करना है गाइस। कंट्रोल डी करने के बाद ये वाला सिलेक्शन टूल ले सकते हैं आप, ये वाला ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर साफ एरिया पर आकर छोड़ दें गाइस। ये देखिए गाइस, ठीक है, इस तरह से आप प्लगइन सेट कर सकते हैं, जो फेस पर एक्ने वगैरह दाने वगैरह हैं वो सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई है ना, तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।